तो फाइनली गाइस अभी हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं, मतलब अभी हम लोग ऋषिकेश घूमने के पर्पज से नहीं आए, अभी हम आए हैं अपने रिजॉर्ट से यहाँ पर टू व्हीलर को हायर करने के लिए। ठीक है गाइस, अगर आप भी कभी ऋषिकेश आते हो ना तो वो एक गलती मत करना जो हमने की। हमने क्या किया, हमने गाड़ी हायर करी, सीधा हम चले गए फुल चटी रिजॉर्ट। अब वहाँ से हमें बाहर निकलने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, कोई पब्लिक कन्वीनियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें वहाँ से थोड़ा पैदल चलना पड़ा। फिर वहाँ से हमें एक बस सिटी बस में बैठे और फिर हम ऋषिकेश आए। अब यहाँ से हम गाड़ी उठा करके वापस अपने रिजॉर्ट जाएंगे। फिर वहाँ से नीलकंठ के लिए अगर आना है तो ऋषिकेश उतरते ही बाइक बुक कर लो और उसी से सीधा नीलकंठ जाओ और उस रास्ते में जो रिजॉर्ट है वहाँ के लिए। हाँ, तो बस हम यहाँ से बाइक उठाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे, सबसे पहले नीलकंठ घूमेंगे और नीलकंठ घूमने के बाद हम वापस ऋषिकेश आएंगे, पूरा ऋषिकेश फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है गाइज, तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहो, वीडियो को देखते रहो, वीडियो को एंजॉय करते रहो। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं बाइक रेंट पे लेने के लिए। अब जैसा कि बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, अंकल है बाइक साफ ऑफ कर रहे हैं, स्कूटी है, मतलब दो एक्टिवा एकदम नई है। और इन्होंने हमसे फेयर कितना लिया है पर डे के हिसाब से 400 पर एक्टिवा, फ्यूल हमारा रहेगा, बाकी हमने जाना कहाँ कहाँ बता दिया, नीलकंठ और ऋषिकेश घूमना है। ठीक है गाइज, तो अगर आप कभी ऋषिकेश आते हो और आपको बाइक एक रीजनेबल प्राइस पे चाहिए होगी और नई गाड़ियाँ चाहिए होंगी, आप देख रहे हो दो एक्टिवा खड़ी हुई है, हिमालयन टाइगर एडवेंचर, ये आपका मेन ऋषिकेश में ही है, एड्रेस आप देख लो चाइना टाउन रेस्टर के बगल में। ठीक है गाइज, ये है इस रेंटल सर्विस के ओनर। इस फॉर्म में हमें कुछ डिटेल फिलअप करना होगा, आप जैसा देख पा रहे हो डिटेल फिलअप करना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको यहाँ पर पंच कर दो, उसको आधार कार्ड देना होता है, एक आधार यहाँ पर सबमिट होगा और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना इनफ है। ठीक है, अरे ये होंडा एक्सेस 125 का मॉडल हमको मिल रहा है ले जाने के लिए, ये गाड़ी है हमारी। तो गाइस अभी हमने स्कूटी में फ्यूल उल डला लिया, 150 का फ्यूल डलाया है तकरीबन यहाँ पे। अभी हम पेट्रोल पंप में है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, तो यहाँ से अभी मैं जाऊँगा फूल चट्टी, वहाँ से अपने हम दोस्तों को पिक करेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे नीलकंठ। चलो गाइस नीलकंठ आपको एंजॉय कराता हूँ और रास्ते को भी थोड़ा बहुत करा दूंगा। ठीक है, बस बने रहना, वीडियो को देखते रहना। दोनों स्कूटी हमारी पार्क हो चुकी है और हम जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट के अंदर। तो गाइस अभी हमारा लंच टाइम हो चुका है और अभी फोटो सेशन चल रहा था, करीब 1 से 1.5 घंटे हमने फोटो क्लिक कराई सभी ने मतलब साथ में, और हम लंच करने जा रहे हैं। लंच करने के बाद हम चलेंगे नीलकंठ की तरफ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग नीलकंठ के लिए निकल चुके हैं, अभी मतलब हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में एक ऐसी लोकेशन दिखी मतलब जहाँ बिना रुके मन माना ही नहीं। ठीक है, मैं कैमरा टर्न करता हूँ, आप लोग देखो यार एक बार। दूसरा स्कूटी उधर, हियर इज द माइलस्टोन ऑफ नीलकंठ 10 किलोमीटर्स, और जस्ट हैव अ लुक ऑफ अ व्यू, व्यू देखो। अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ चुके हैं, नीलकंठ मंदिर, जो कि फूल जटी से 12 किलोमीटर से दूरी पे है। ठीक है, और चलो मंदिर में चलते हैं, बाकी देखते हैं कैसा है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है विजिट और आई होप आप लोगों का भी होगा। चलो एंजॉय करो। हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, मतलब पहाड़ों पे जो लोग खेती करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसकी जो फार्मिंग होती है आप लोगों ने पहले बुक्स में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बट इसे रियलिटी में देख के अलग ही मज़ा आ रहा है। गाड़ी अपनी पार्क कर दोगे तो वहाँ से मतलब मंदिर तक जाने के लिए थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है 100-200 मीटर, और ऐसा नॉर्मल आपके शॉप्स वगैरह मिलते रहेंगे जहाँ से आप कुछ ले परचेज कर सकते हो, बाकी इधर भी दुकानें हैं, पीछे भी है, मैगी वैगी खाने का मन हो तो आप कर सकते हो, बाकी ये छोटा सा इधर मणिकुट रिजॉर्ट। ये गाइस पूरा नीलकंठ जी का मंदिर, मतलब इतना जाली वाली टीवी की वजह से पूरा अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, जैसा मूवीज और टीवी में देखा है वैसा नहीं दिख पा रहा है।
सभी के प्यार से। नीलकंठ का दर्शन करने के बाद, शिव जी का मंदिर से होने के बाद, इधर हम आए सीधा नीर वाटरफॉल, जो कि मतलब ऋषिकेश हाईवे से 2 किलोमीटर अलग रास्ते पे है। तो इधर आशीष और कुणाल टिकट्स ले रहे हैं, और टिकट्स आप देख लो, इंडियंस का 30 रुपीज़, फॉर चिल्ड्रन 5 से 10 साल 20 रुपये, और फॉरेनर्स का 50 रुपये। भाई साहब रोड देख पा रहे हो पहाड़ से नीर वाटरफॉल की, थोड़ा कैमरा जूम इन करता हूँ, ये देखो यार ये रोड है और जाने का रास्ता इधर से है। सो फाइनली गाइस हम लोग नीर वाटरफॉल आ चुके हैं। तकरीबन ये रोड पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये रोड तो पूरा जाता है, आप जो देख रहे हो बैकग्राउंड में ये रास्ता, ये पूरा गंगोत्री तक जाता है, ठीक है। और इस रोड से ये ऊपर सीढ़ी से रास्ता 1 किलोमीटर जाता है, आपको मतलब ट्रैकिंग करके 1 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। ये देखो गाइस, ये हमारा एक बंदा, इसने 12 किलो वजन कम किया है, 6 कल किया था, 6 आज कर रहा है। ये देखो सारा चिकन कोरमा, काजू कोरमा निकल रहा है मिस्सी रोटी के साथ। गाइस अभी हम लोग मतलब करीब जमीन से हमें 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे ट्रैकिंग करना है, और हम 200-250 मीटर आए होंगे। मैं तो थक गया यार, अभी पता है बहुत ऊपर जाना है। रास्ते से आए हैं, यहाँ से हमको ऐसे 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 पूरा ऊपर जाना है यार। तो गाइस विदाउट टेकिंग मोर टाइम, हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, बट आई एम नॉट फाइन। गाइस यहाँ का आप टी स्टॉल देखो, ये रहा टी स्टॉल, वो एक बैठने का उधर, और एक वो, और बीच से झरने का पानी बहते हुए नीचे जा रहा है, कितना मज़ेदार है यार। गाइस अभी मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ यार, पैरों की बैंड बज गई, ऐसा लग रहा है कि मैंने एक ही दिन में पूरे महीने भर का एक्सरसाइज अपने पैरों का कर लिया हो, चाहे मेरा काफ्स हो, चाहे थाई हो, चाहे हैमस्ट्रिंग्स हो, पूरी तरीके से ट्रेन हो गई यार। मतलब अब लग ही नहीं रहा कि ऊपर तो जितना चलाया, बट अभी और थोड़ा सा ऊपर जाना है, बट मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, नीचे कैसे जाऊँगा यार। खड़ी चढ़ाई जितनी ज़्यादा थी ऊपर आते वक्त, उतनी ढलान वाली उतरने की समस्या होगी यार नीचे जब हम जाएंगे। फाइनली गाइस हमारा जो ये कौन सा झरना था बे, नीर वाटरफॉल का जो ट्रैक वर्क था कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट गाइस। तो वहीं पर पहुंच के मैं वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को, बाकी वीडियो को देखने के लिए। बाकी बात रिजॉर्ट में गाइस, एक्चुअली प्लान में थोड़ा सा चेंज ये आया कि हम लोग रिजॉर्ट नहीं जा रहे थे, उस टाइम पे मैं थोड़ा थक गया था, बट अभी ठीक हो गया हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर साइड पे, हाँ कि गंगा जी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एकदम साफ़ सुथरी प्यारी सुंदर है, तो पूरे देश की, लेकिन यहाँ की थोड़ी ज़्यादा है, चलो दिखाते हैं। 12 किलो वजन कम करने के बाद ग्रुप को लीड कर रहे हैं, और आप व्यू देख रहे हो, ये हमारी गंगा जी का पानी है, और इसको देख के याद आता है आज ब्लू है पानी पानी पानी, ज़्यादा नहीं गा सकते, नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। तो देखो नज़ारा दोस्तों, देखो ये है हमारी गंगा जी, एकदम प्यारी सी, कुछ भी कहो यार, मेरे शूज़ की बहुत सही लगी मुझे, अभी ट्रैकिंग टाइम में भी अभी भी अच्छा है, स्लिप नहीं कर रहा है, बेस्ट है शूज, वर्थ फुल। गाइस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं, मतलब चेकआउट कर चुके हैं रिजॉर्ट से, ठीक है। सुबह सुबह की धूप बहुत ही अच्छी लग रही है यार, यहाँ पे तो एकदम शांत माहौल, बट कोई नहीं, कुछ महीनों बाद फिर से कुछ एक ऐसी अच्छी ट्रिप होगी, आप लोग और एंटरटेन होंगे। तो गाइस ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, रोज़ का ऐसा ही होता है, बढ़िया था, मैंने आज का ही आप लोगों को दिखाया, ये आज हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, सोचा क्यों ना निकलने पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ये सारा अरेंजमेंट यहाँ का बुफे सिस्टम सबसे बेस्ट, आप अपने मन से ये निकालिए, जितना भी खाइए नो इशूज़, खाना भी एक नंबर है यहाँ का, सब कुछ बेस्ट है, और यहाँ पे ये बड़ा वाली शॉप पूरे टाइम चलता रहता है। तो गाइस फाइनल चेकआउट हो चुका है, और अब हम यहाँ से स्कूटी अपनी उठाएंगे जो हमने कल रेंट पे हायर की थी, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से वापस ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मतलब वहाँ पे थोड़ा हम घूमेंगे, ऋषिकेश घूम भी नहीं पाए यार, मैं 2-3 वीडियो में बोलता रहा ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे, बट हम कर नहीं पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ठीक है। और अभी बस हमें स्कूटी लेके जाना है, और उसके बाद फिर ऋषिकेश पहुँचते हैं।